हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम से। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे फल के बारे में डिस्कस करूंगा जो गर्मियों में सबके घरों में सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्रूट होता है। दोस्तों, उस फ्रूट का नाम है तरबूज। ये जो तरबूज है, जिसको वाटर मेलन कहते हैं, हमको बहुत ठंडक देता है, यानी हमारे शरीर को ठंडा रखता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, क्योंकि इसमें 96% पानी होता है। इसके अलावा एक इस क्वालिटी और इस फल में सबसे ज़्यादा होती है कि इसमें कैलोरी बहुत ना के बराबर होती है। तो यानी कि जो ओबेसिटी वाले लोग हैं, यानी जो मोटापे वाले लोग हैं, वो लोग भी इस फल को खा सकते हैं। दोस्तों, इस फल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम पड़ा रहता है, फास्फोरस होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा पड़ी रहती है। इसके अलावा इसमें एक क्वालिटी और रहती है कि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में रहता है, और एंटी ऑक्सीडेंट होने के कारण ये ओल्ड एज में भी हमारी स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइंस आने से रोकता है। यानी कि ओल्ड एज में भी हमारी स्किन को ये यंग बनाकर रखता है। इसके अलावा ये और भी अनगिनत बीमारियों में काम करता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की डिजीज है। इसके अलावा इसमें लाइकोपीन होता है, तो लाइकोपीन होने की वजह से ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसके अलावा यह कि हमारे बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, तो इनसे बचाव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, पथरी से बचाता है, वजन घटाने में हेल्प करता है, हीट स्ट्रोक से बचाता है, यानी कि बहुत सारी बीमारियों में ये हमारे काम करता है। तो दोस्तों, ये जो तरबूज जो इतना फ़ायदेमंद होता है गर्मियों में, तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है, और डिमांड ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जल्दी इसको पकाना शुरू कर देते हैं, और जब जल्दी पक जाएगा तो क्या है कि केमिकल्स वाला जो तरबूज है मार्केट में आकर ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान देता है। और हम भी आपने मार्केट में देखा होगा, तो ज़्यादातर यही कहते हैं कि भाई तरबूज जो आप परचेज करने से पहले, हम भी यही कहते हैं भाई तरबूज लाल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। तो दोस्तों, लाल और मीठे के चक्कर में ये जो केमिकल्स वाले तरबूज चलने लगे। अब ये केमिकल वाला तरबूज जो मार्केट में आ रहा है, ये हमारे शरीर को इतना नुकसान देता है। वही सब कुछ मैं आज इस वीडियो में डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों, ये जो केमिकल्स कौन कौन से मिलाए जाते हैं, और ये कौन कौन से केमिकल्स हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान करते हैं, और तरबूज खरीदने के लिए हम कैसे पहचाने ये बिना केमिकल वाला तरबूज है। तो ये सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊँगा। तो आप दोस्तों, शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि तरबूज में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। देखिए, तरबूज को एक तो लाल कलर देने के लिए कुछ ऐसे आर्टिफिशियल कलर मिलाते हैं, जैसे कि लेड क्रोमेट है। अब लेड क्रोमेट अगर इसको तरबूज के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, तरबूज का कलर तो लाल हो जाएगा, बहुत सुरख लाल हो जाएगा, लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा ब्लाइंडनेस, यानी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। इसके अलावा ब्रेन सेल डैमेज हो सकते हैं, और इसके अलावा एक और कलर होता है मेथेनॉल येलो। ये मेथेनॉल येलो कलर से भी तरबूज का कलर लाल करते हैं, तो इस मेथेनॉल येलो भी एक बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग कर सकता है, कैंसर की प्रॉब्लम भी कर सकता है। इसी तरह से एक सूडान रेड आता है केमिकल, तो सूडान रेड को भी अगर तरबूज के अंदर डालने पर तरबूज का कलर लाल हो जाएगा, लेकिन ये सूडान रेड हमें डाइजेस्टिव से संबंधित प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा यह स्टमक से रिलेटेड हमें भी प्रॉब्लम कर सकता है, और एक एरिथ्रोसिन आता है, इससे भी तरबूज का कलर लाल करते हैं। एरिथ्रोसिन क्या है, ये एक लाल रंग की डाई होती है, और ये जो एरिथ्रोसिन है तरबूज का कलर तो लाल कर देती है, और लेकिन हमारे शरीर को बहुत नुकसानदायक होती है। ये एरिथ्रोसिन मोस्टली ज़्यादातर मिठाई बनाने में या कैंडी में या कोल्ड ड्रिंक वगैरह में डाली जाती है, और इस एरिथ्रोसिन की वजह से कई बार बच्चों में थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा चाइल्ड बिहेवियर में चेंजिंग आने लगती है। इसके अलावा पकाने के लिए भी कुछ केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन से तरबूज जल्दी बढ़ाने के लिए और भारी करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इस नाइट्रोजन की यूज़ करने से पुरुषों में नपुंसकता तक हो जाती है। इसके अलावा लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की खराब हो सकती है, इसके अलावा कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो सकता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड भी तरबूज पकाने के लिए और भारी करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड से भी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी लीवर खराब हो सकता है, हमारा किडनी खराब हो सकती है, कैंसर हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो सकता है।
इसके अलावा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का भी यूज करके तरबूज को जल्दी बढ़ाने में और उसको भारी बनाने में करते हैं। यह ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। यह ऑक्सीटोसिन पहले मैं आपको बता दूं कहाँ यूज होता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये मोस्टली जो है डिलीवरी के टाइम में पेन बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, या कई बार गाय भैंस का जब दूध निकालते हैं तो गाय भैंस का दूध निकालने के समय जब दूध भैंस नहीं दे पा रही है तो इंजेक्शन से दूध निकालते हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है। तो वही इंजेक्शन इस तरबूज को जल्दी बड़ा और भारी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये ऑक्सीटोसिन जब ये हम तरबूज ऑक्सीटोसिन वाला हम इंजेक्शन वाला खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान दे सकता है। इसकी वजह से हमारा जी मिचला सकता है, उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इसके अलावा कई बार बेहोशी हो सकती है, चक्कर हो सकता है, हार्ट की बीट आपकी इरेगुलर हो सकती है यानी कि कभी कम या कभी ज़्यादा हो सकती है, घबराहट बेचैनी हो सकती है, सांस लेने में तक परेशानी हो जाती है और कई बार पुरुषों में नपुंसकता तक देखी गई है। इसके अलावा और भी ऑक्सीटोसिन से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो में आपको ऐसी 9 पहचान बताऊंगा जिनको देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये केमिकल वाला तरबूज है या बिना केमिकल वाला तरबूज है। देखिए, सबसे पहले तो आप तरबूज परचेज करते समय आप ऊपर से उसकी सरफेस को देखिए। अगर उसकी सरफेस पर सफ़ेद या पीले रंग का पाउडर सा चिपका हुआ है तो हो सकता है कि कैल्शियम कार्बाइड हो जो पकाने के लिए यूज़ किया गया हो। ये कैल्शियम कार्बाइड वही है जिससे कि आम और केला भी पकाते हैं। दोस्तों, ये जो कैल्शियम कार्बाइड जिसे हम सफ़ेद या पीले रंग का पाउडर हम अक्सर ये समझ लेते हैं कि ये मिट्टी हो सकती है क्योंकि खेतों में मिट्टी पड़ी रहती है तो वहाँ मिट्टी लग गई होगी, लेकिन दोस्तों ये कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर हो सकता है। इसलिए ऐसे तरबूज को जिस पर पाउडर लगा हुआ है आप घर पर लाकर काटने से पहले उसको अच्छी तरह से धो लें। इसके अलावा अंदर से अगर बहुत ज़्यादा ही अगर लाल है तब भी वो शक के घेरे में आता है कि हो सकता है कि उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर डालकर उसको लाल किया गया हो, या इसके अलावा बहुत ज़्यादा बड़ा तरबूज भी ना खरीदें क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े तरबूज का भी ये रहता है कि कहीं उसको इंजेक्शन से बड़ा ना किया गया हो। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें, तरबूज खरीदने से पहले आप उस पर ये जब भी तरबूज खरीदें तो आप ये देखें कि उसके ऊपर पीले रंग का ये धब्बा, जैसा कि मैं आपको तरबूज दिखाता हूँ, देखिएगा इस तरह का ये तरबूज है, ये अगर ये इस तरह का अगर ये पीले रंग का अगर इस तरह का धब्बा दिखाई दे रहा है, आप देखिए पूरे तरबूज पर कहीं नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर एक साइड में पीले रंग का अगर धब्बा दिखाई दे रहा है तो ऐसे तरबूज ये समझिए बिना केमिकल वाला तरबूज हो सकता है क्योंकि ये मिट्टी तरबूज मिट्टी पर पड़ा रहता है तो मिट्टी पर पड़े होने की वजह से ये पीले रंग का स्पॉट आ जाता है। तो इसके अलावा एक पहचान और है कि आप तरबूज जो है मोस्टली जो है ये कई हफ्ते तक खराब नहीं होता है, लेकिन अगर इस तरबूज को आप घर पर लाकर रख दें और तरबूज को 2-3 दिन तक आप नहीं खाइए, उसको ऐसे ही रखकर रख दिया, अगर 2-3 दिन के बाद तरबूज की ये ऊपर की सरफेस से, ठीक है, जैसे ये सरफेस है ना, अगर इस सरफेस से अगर ये पानी से अगर झाग सा छोड़ रहा है तो समझिए कि इसके अंदर जो है केमिकल डाला हुआ है और ये केमिकल वाला तरबूज है। इसके अलावा एक पहचान और है, तरबूज को काटने के बाद उसके छिलके को देखना है। जैसे ये तरबूजे का देखिए आप, ये तरबूजे का पीस है, इसका छिलका अगर ये हरे कलर का या ये एक तो ये छिलका मोटा होना चाहिए, ये लेयर जो है ना मोटी होनी चाहिए, उसके अलावा ये सफ़ेद रंग का या हरे कलर का है तो समझिए नेचुरल पका हुआ है। और अगर ये इसमें कलर डालकर पकाया होगा तो क्या होगा, कलर अगर डाला गया हो लाल करने के लिए तो ये जो रेड वाला जो कलर है वो कलर बह करके सफ़ेद वाले पोर्शन पर भी आ जाएगा, यानी सफ़ेद वाला हिस्सा न दिखाई देकर के आपको रेड कलर का हिस्सा दिखाई देगा, तो समझिए वो केमिकल वाला तरबूज है। इसके अलावा एक पहचान और है, कॉटन बॉल से पहचान सकते हैं। जैसे ये तरबूज लिया हमने, ठीक है, ये तरबूज है और ये कॉटन की इस तरह से बॉल टाइप की बना लीजिए और इस कॉटन बॉल को बना करके इस तरबूजी के ऊपर आप इस तरह से आप रखिए। अगर केमिकल वाला तरबूज होगा तो वो कॉटन बॉल पर गुलाबी या रेड कलर का ये बॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए आप, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, ये आप देख रहे हैं, इसको हमने तरबूज पर इस तरह से टच करके रखा, आप थोड़ी देर तक इसको टच करके रखें इस तरह से, तो आप देखेंगे आपके कॉटन बॉल पर कोई भी कलर नहीं आया। इसका मतलब ये बिना केमिकल वाला, अगर इसके अंदर केमिकल होता, रेड कलर का अगर कलर डाला गया होता तो इस पर रेड कलर कॉटन बॉल पर आ जाती। इसके अलावा एक पहचान और है, तरबूजे का एक टुकड़ा पीस काट लीजिए। जैसे हमने तरबूजे का एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है, और एक बॉल में आप पानी ले लीजिए। जैसे देखिए अभी एक बॉल है,
एक बॉल है, इस बॉल में इस तरबूजे के टुकड़े को डाल दीजिए और कुछ देर तक इसको डिप कर रख, इस तरह से आप रखा छोड़ दें, ठीक है। जब आप इसको रखा हुआ इस तरह से छोड़ देंगे और कुछ देर वेट कीजिए, अगर इसमें केमिकल पड़ा होगा, यानी कि रेड कलर, आर्टिफिशियल कलर अगर इसके अंदर डाला गया होगा, तो इस पानी में लाल कलर आ जाएगा। और अगर पानी का कलर चेंज नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि ये बिना केमिकल वाला तरबूज है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं मिला गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि देखिए ये पानी का कलर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई भी कलर में रेडनेस या पिंकनेस नहीं आई है, तो इसका मतलब ये प्योर तरबूज है, ठीक है। इसके अलावा एक और लास्ट पहचान बता रहा हूँ, तरबूज को काटने के बाद आप देखेंगे तो जिस तरह से आप ये फोटो में देख रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई दरार या क्रैक टाइप का नज़र आ रहा है, तो समझिए कि इंजेक्शन से पकाया हुआ ये तरबूज है। तो दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ 9 पहचान बताई। तो दोस्तों आप जब भी तरबूज खरीदें तो आप इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आप केमिकल वाला तरबूज तो नहीं खरीद रहे। तो दोस्तों अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।